स्वागत है आपको इनके पर। आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ रूपाली। चीन अपनी घटिया गतिविधियों के चलते अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। चीन और उसके दूसरे देशों पर गंदी निगाहें होने की गतिविधि से हर कोई वाकिफ है। एक बार फिर चीन ने अपनी ओजी हरकत का खुलासा खुद किया है। चीन द्वारा भारत के निजी दस्तावेजों को हैक किया गया है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब चीन भारत में साइबर हमलों के लिए सुर्खियों में आया है। 2022 में चीन से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर 7 भारतीय पावर हब को निशाना बनाया था। धमकी देने वाले थ्रेट हैकर्स ने 2021 में भी भारत के बिजली बुनियादी ढांचे में प्रवेश करने का प्रयास किया था। बता दें कि अब चाइना के एक हैकर ने ग्रुप ने पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एयर इंडिया जैसे बिजनेस सहित भारत सरकार के प्रमुख कार्यालयों को निशाना बनाने का दावा किया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने लीक आंकड़ों की समीक्षा में ये खुलासा किया है। आपके मन में अब ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि आखिर क्या आईसून लीक क्या है। दरअसल चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय MPS के एक कथित साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर आईसून से जुड़े हजारों दस्तावेज, ईमेल और चैट मैसेजेस वीकेंड में गिटहब पर अनाम रूप से पोस्ट किए गए थे। कॉन्ट्रैक्टर के दो कर्मियों ने AP को बताया कि आईसून और चीनी पुलिस ने फाइलों लीक कैसे की गई है इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों में से एक ने कहा कि आईसून ने लीक के बारे में 21 फरवरी को एक बैठक की थी और बताया गया था कि इससे बिजनेस पर बहुत अधिक असर पड़ेगा और अपना काम नॉर्मल वे से ही जारी रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दें कि लीक डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो सामने आ चुका है। लीक हुए इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल्स मंदरीन में है, लेकिन इसका जो मशीन ट्रांसलेटेड वर्जन सामने आया है उससे हमलावरों की कार्य प्रणाली, उनके कारनामे और उनके निशाने पर कौन कौन है इसकी जानकारी देता है। इसके मुताबिक साइबर अटैकर्स का निशाना पर नाटो, यूरोपीय सरकार, निजी संस्थानों से लेकर पाकिस्तान जैसे बीजिंग के सहयोगियों तक थे। हालांकि लीक में साइबर जासूसी ऑपरेशन के टारगेट मेंशन है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार लीक में चोरी किए गए डेटा के सैंपल नहीं मिले हैं। ये सभी मामलों में व्यक्तिगत लक्ष्यों पर हमले की सीमा पर और हमलों को अवधि को नहीं बताता है। बता दें कि इसके हमलों की अवधि नहीं बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि भारत में क्या क्या निशाने पर है। भारत के लीक हुए डेटा में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति के आंतरिक मंत्रालय जैसे भारतीय टारगेट का उल्लेख किया गया है और इससे इसका इशारा संभवत है। वहीं आपको बता दें कि इसका इशारा गृह मंत्रालय की ओर भी जा रहा है। भारत चीन सीमा तनाव के चरम पर है। एडवांस परसमेंट थ्रेट IPT या हैकर समूहों ने मई 2021 और अक्टूबर 2021 के बीच राष्ट्रपति के अंतरिक्ष मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में संबंधित 5.49 GB डेटा फिर से हासिल किया था। बता दें कि भारत में मेन टारगेट विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग हैं। बता दें कि आईसून द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुवादित अनुसार लिखा गया है, राज्य द्वारा संचालित पेंशन फंड मैनेजर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राज्य दूरसंचार ऑपरेटर, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और निजी स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला अपोलो हॉस्पिटल के यूजर्स डेटा में भी कथित तौर पर सेंध लगाई गई है। बता दें कि एयर इंडिया का चोरी हुआ डेटा यात्रियों द्वारा डेली चेक इन के विवरण से संबंधित है। लगातार जो निगाहें हैं वो चीन की एयर इंडिया, रिलायंस के डेटास पर, एयर इंडिया के डेटास पर और साथ ही साथ PM ऑफिस के डेटास पर बनी। वहीं आपको बता दें दूसरों के घरों में घुसने की चीन की आदत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर दोस्त से दुश्मन तक हर कोई चीन के निशाने पर रहता है। ऐसे में भारत के अलावा बीजिंग के कथित तौर पर अपने खास दोस्त पाकिस्तान पर भी निशाना बनाए जाने की खबर है। अन्य स्पष्ट टारगेट्स में नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, मलेशिया जैसे कई देश, अफगानिस्तान, फ्रांस, थाईलैंड, कजाकिस्तान, तुर्की, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे देश भी शामिल हैं। बता दें कि लीक हुए डेटास के अनुसार मई 2021 और जनवरी 2022 के बीच चीनी हैकर समूह द्वारा पाकिस्तान के कई पंजाब प्रांत में आतंकवाद विरोधी केंद्र से 1.43 GB तक डेटा सर्विस जो है वो प्राप्त किया गया था। दस्तावेज ये भी संकेत देते हैं कि चीनी सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और दूरसंचार कंपनी जोंग पर जासूसी की मंजूरी जो है वो दे दी थी। वहीं बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब चीन भारत में साइबर हमलों के लिए सुर्खियों में आया है। बता दें कि 2022 में चीन से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर 7 भारतीय पावर हब को निशाना बनाया गया था। धमकी देने वाले थ्रेट हैकर्स ने और उनके एक्टर्स ने 2021 में भी भारत के बिजली बुनियादी ढांचे के प्रवेश करने पर भी प्रयास किया था। तो लगातार चीन की ओर से ये नापाक गतिविधि जो है वो देखने को मिली है। लगातार वो देशों के निजी दस्तावेज को हैक करता है और उनके डेटास को चुराता है। बहरहाल इस अपडेट के लिए इतना ही, और सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहेगा इन खबर के साथ।